जम्मू कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से की गई सीज फायर उल्लंघन में बिहार का एक लाल शहीद हो गया। शहीद जवान नायक रवि रंजन रोहतास जिला के डेहरी स्थित गोपी बिघा इलाके के रहने वाले थे। एक रवि रंजन के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव में मिली, गांव में मातम सा पसर गया। वहीं घर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद रवि रंजन की पत्नी कहती है कि मेरे पति शहीद नहीं हुए हैं, वह लौट कर आएंगे। दरअसल डेहरी के गोपी बिघा के रहने वाले 36 वर्षीय नायक रवि रंजन जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में पोस्टेड थे। यह अपने पीछे दो बच्चे व एक बच्ची को छोड़ गए हैं। बड़ा बेटा शशि 9 साल का है, जबकि छोटा पुत्र पीयूष 7 साल का है तथा एक बेटी सपना 5 साल की है। बताया जाता है कि शहीद जवान रवि रंजन सिंह इसी रक्षाबंधन में घर आए हुए थे तथा रक्षाबंधन के 2 दिन के बाद देश की रक्षा के लिए चले गए थे। शहीद जवान के बड़े भाई सुनील कुमार सिंह भी सेना में ही है। वहीं पिता रामनाथ सिंह यादव गांव में सामान्य किसान है। शहीद की 4 बहनें हैं, सभी की शादी हो चुकी है। शहीद जवान रवि रंजन सिंह की पत्नी रीता देवी का मायका अमझौर थाना के बिरकप खजूरी में है। बताया जाता है कि रवि रंजन सिंह वर्ष 2002 में सेना में बहाल हुए थे। शहीद की मां का रोते रोते बुरा हाल है। बच्चे कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। शहीद के घर के आसपास लोग एकत्र हो रहे हैं, सब यही चर्चा कर रहे हैं कि 2 दिन पूर्व ही तो रवि रंजन अपनी बहनों से राखी बंधवाकर लौटे थे कि आज उनके शहीद होने की खबर आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 लाइव। अरे बाबू का कहेंगे, ये तो कहे बा कि जब शहीद हो गए तो उनका बाल बच्चा मेहरानों को कुछ औरत के सहारा सरकार से होके आगे दिन के प्रवस्ती होके आओ। दूसर कहा कहे कि बा कब आप लोगों को पता चला? पता तो 3 बजे करीब हो गया, गांव के आदमी ले। भारत सरकार से कुछ डिमांड स्टेट गवर्नमेंट से आप लोगों की? हाँ, भारत सरकार से डिमांड हमारी है बा कि उनका बाल बच्चा मेहरानू के कोई प्रवस्ती सहारा मिले, आओ उनका नाम पो, आओ दूसर का कहीं। वो हमारे गांव के लाल के, हमारे भारत देश के रत्न लाल ही हुए और हम लोग सभी उनके इस शहीद के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके बाल बच्चे परिवार को ईश्वर शक्ति दे, इस समय उनके परिवार को शक्ति दे कि जो शहीद हुए हैं हिम्मत दे कि वो सह सके इतनी बड़ी उनकी बलिदानी को। और हमारे गांव में जो हुआ है, हम सोचते हैं कि उन शहीदों के लिए कैसी शहीद गेट बने हमारे गोपी बिघा गांव में। हमारे गांव के लाल हैं, उनके परिवार को भावना भगवान इतनी शक्ति दे कि वो सहन सकते। आप उनके बच्चे को, परिवार को देख ही रहे हैं, उनके 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे में 2 बच्चे विकलांग हैं, एक बोल नहीं पाती है, एक विकलांग है, एक छोटा बच्चा गोद में है। कैसे वह एक महिला संभालेगी अपने परिवार को, ईश्वर ही बता सकते हैं। मैं उनके लिए सहानुभूति प्रदान करती हूँ, उनको शक्ति प्रदान दे ईश्वर, माता रानी कृपा करें। बस मैं ही कुछ कह नहीं सकती।